अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। सभी लोग यीशु की उस पिक्चर की बात कर रहे हैं। उसकी कहानी भी तो ऐसी है भैया, अंदर लग जाती जाके, दिल में आंसू आ जाते हैं देख के। सही बात है। और मुझे तो रह रहे के वही बात याद आती है कि कैसे यीशु ने उस मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। उसका बाप उनके पास पहुंचा और बोला, मेरी लड़की को ठीक कर दो। यीशु, यीशु, मेरी इकलौती बेटी को बचा ले प्रभु, मुझ पर दया करे। मेरी बेटी केवल 12 वर्ष की है और मरने को है, कृपा करके मेरे साथ चलिए। यायर, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी नहीं रही, इसलिए गुरु को कष्ट ना दे। डरो नहीं, विश्वास रखो, वो ठीक हो जाएगी। तुम रो मत, वो मरी नहीं है, वो तो बस सो रही है। बेटी उठो। कमाल हो गया, जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा उठ जा, तो फिर उठ बैठी और चलने फिरने लगी। वो तो महान चमत्कार था। वो तो है ही भैया। ये भी कहते हैं कि यीशु महान आत्मा है, सीधा संबंध है प्रभु से उनका। बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक ही नहीं। दुनिया की हर रंगत, दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है। दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है, अपनी तो हर सांस उसका डेरा है, अपनी तो है सांस उसका डेरा है। दुनिया की हर रंगत खो जाएगा जो उस
तुझे दिल से याद करो वो आएगा। दुनिया की है रंगत उसका चेहरा है, दुनिया की है रंगत जी। सब लोग काम पे आ गए थे, झाड़ झंकार हटा के सब कुछ साफ सुफ कर दिया है, खेत तैयार है जुताई के लिए। खेत तो तैयार है लेकिन बैलों का इंतजाम हुआ कि नहीं? वो भी हो गया बाबूजी। पता नहीं खुद की जमीन खुद के बैल कभी हो भी पाएंगे या नहीं। माँ मेरी चोटी बना दो ना। आजा बेटा। बाबूजी जब तक जमींदारों की लाठी की मार और खानदानी कर्जों की फटकार रहेगी तब तक कोई आस नहीं है। लानत है, अपने खेत और अपने ढोरों पर भी हक नहीं रहा हमारा, इस लायक भी नहीं बचे कि ब्याज तक चुका पाए उधार की रकम का। पानी। कर्जे की दलदल ही ऐसी होती है बाबूजी, गर्त में ले जाके ही छोड़ती है। सही बात है, दौलत की माया है सब, पैसा फेंक तमाशा देख, पत्थर का कलेजा हो गया है उनका, हमारे सुख दुख से उनको क्या लेना। अब जो भी है भाऊजी सच्चाई यही है, मुझे नहीं लगता इस जीवन में अब कुछ भी बदल पाएगा। हाँ। जीते जाते हैं एक झूठी आस लिए, हर सुबह तुझको पाने की सांस लिए, काटेगा दुख के बंधन तू ही एक दिन, पाएगा सुख के मोती तू ही एक दिन। जीवन पलछिन पलछिन गुजरा जाता है, तुझ पर किंतु असर नहीं दर्शाता है। मूर्ख मानव तू क्यों ये भूला है, तेरा पल उसके हर पल से छोटा है। सांझ ढले जब तेरा सूरज डूबेगा, उसकी दुनिया में उजियारा फूटेगा। सही बात है, जिस दिन जो होना है उसी दिन होगा। फिर पता नहीं क्यों लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं, कहते हैं गांव में जो सिनेमा आया है उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया है। हाँ बाबूजी, आज तो कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही थी उस पिक्चर की। क्या कह रहे थे लोग बाग? यही कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं हो जाता, पहले था। मतलब? मतलब यही कि परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई थी तो इसमें कोई कमी नहीं थी, इंसान की हर जरूरत पूरी हो जाती थी। लो अब तो सब कुछ उल्टा हो गया है। यही तो बात कह रहे थे सब लोग, इंसाफ तो रहा ही नहीं कहीं भी। सोचो ना क्या हो रहा है, अपने ही जमीनों पर रहने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, अपने ही खेतों में काम करते हैं लेकिन फसलों के दामों में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, बस दो वक्त की रोटी मिल जाती है जिंदा रहने के लिए। उनके लिए जैसे पालतू कुत्ते बैल वैसे हम। अगर ये सिनेमा सच बोलता है कि इस धरती को दयावान परमेश्वर ने बनाया है तो फिर इस जग को हुआ क्या? बाऊजी जग के निर्माण की कथा बड़ी मजेदार है, गलती इंसान से ही हुई थी, अब सजा भुगत रहा है। परमेश्वर ने तो ऐसी दुनिया बनाई थी जहां तकलीफें बुराइयां बिल्कुल थी ही नहीं, प्रेम ही प्रेम था। उसने आदमी और औरत बनाए और कहा जाओ जियो इस खूबसूरत दुनिया में, मौज करो ऐश करो, कोई कमी नहीं है, बस एक पेड़ से फल तोड़कर मत खाना। कहां रहा जाता है इंसान से, शैतान के बहकावे में आके बुराई का फल तोड़ा और खा ही लिया, फिर क्या था, सब कुछ पलट गया, अच्छाइयां और परमेश्वर उसे दिखने बंद होने लगे। बस तभी से इस संसार में बुराइयां मौत बीमारियां
सबका घेरा छा गया। अच्छाइयां, प्रेम, मोहब्बत धीरे धीरे खत्म होने लगी। ओ, तो अब समझ में आ रहा है कि इंसान परमेश्वर से इतना दूर कैसे हो गया। इसीलिए तो जग इतना परेशान हो चुका है, बल्कि रोज हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ बाबूजी, ज्यादा दूर ही क्या जाना, अपनी दुर्दशा को देख लो ना। लेकिन क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? कोई रास्ता, कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं है? है बाबूजी, है एक ही उम्मीद, और वो है परमेश्वर, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। इसलिए तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे जीसस की बलि दी, ताकि एक बार फिर से वो हमारे साथ नाता जोड़ सके। हाँ, देखा मैंने, मुझे उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा याद आ रहा है। सिनेमा में वो जब प्रार्थना करने प्रार्थनालय जाता है, तो वहां उन सूदखोरों को देखता है जो प्रभु के घर में बुरे काम कर रहे थे। यीशु से ये सब देखकर रहा न गया, उसने उनके मेजों को पलटकर उन्हें वहां से भगा दिया। अंत में उसने ये भी कहा, अन्याय हमारी दुनिया में नहीं हुआ करता था। ये हुई ना बात बाऊजी, यीशु के पास जब उस बीमार व्यक्ति को लाया गया तो उसने उसे ठीक कर दिया। यीशु बताते हैं कि हमारे परमेश्वर बड़े दयावान हैं, वो हमारे सारे कसूर माफ कर देते हैं। वो जानते हैं कि हम आत्मिकता में अकेले नहीं चल सकते। जब हम परमेश्वर से किसी गलती की माफ़ी मांगते हैं तो वो नाराज नहीं होते और ना ही सजा देते हैं। परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि हम शांति से जिए और शांति से मरें। मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे। प्रभु को खोजो जब तक वो मिल सके, उन्हें पुकारो जबकि वो पास है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आए, और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान देंगे। तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। जब यीशु धरती पर रहे, उन्होंने परमेश्वर के बारे में दुनिया को कितना कुछ बता दिया। उनका प्रेम, उनकी मोहब्बत, बिना उम्मीद के भलाई करते जाना, सब कुछ, बल्कि मुर्दे में से तक इंसान को जिला के दिखा दिया। अब समझ में आ रहा है, जिसने यीशु को समझ लिया, परमेश्वर को समझ लिया। परमेश्वर ही प्रेम है, ये वो विचार है जो परमेश्वर के बारे में हमारी सोच बदल सकता है। परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हमारे बीच रहने के लिए भेज दिया। उसको जो क्रूस पर कत्ल किया गया था, परमेश्वर को उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये इसलिए किया कि हमारी आत्माएं ना मर जाए। जरा सोचो कैसे परमेश्वर ने अपने ही बेटे को कुर्बान होने दिया। ऐसा प्रेम मेरी तो समझ में नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से परमात्मा में मेरा विश्वास जगता है कि वो हमारी रक्षा करेगा, हमारा ध्यान रखेगा। जब तक हम जिंदा हैं, उस पल तक जब तक हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। मेरा तो मानना है, परमेश्वर को अगर समझना है तो उसके बेटे यीशु के मार्फत ही समझ सकते हैं। बिल्कुल। कहते हैं जब दुनिया बनी थी तो परमेश्वर खुद आके सुहावनी शामों को इंसान के साथ घुमा करते थे। सोचो बाबूजी, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पूरी दुनिया, पूरी कायनात बनाई, उसका इतना नजदीक का रिश्ता था इंसान से। सपने जैसा लगता है सब कुछ, लेकिन अगर ये सच निकला तो मजा आ जाएगा। लेकिन है सच्चाई। आज भी हर घड़ी हम उस प्रभु से जुड़े हुए हैं जो हर वक्त हमसे प्रेम करता है।
बस उसी का आसरा होना चाहिए, उसी पे विश्वास रखना चाहिए। जरा ये सोचो, उस परमेश्वर को हम खुद भी जान सकते हैं एक दोस्त के रूप में। यीशु मसीह जो उस फिल्म के हीरो थे, उन्होंने उस परमेश्वर से हमें परिचित करवाया और अब हम उस परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं जब भी हमारा मन चाहे। जैसे आपस में हम हैं, वैसे परमेश्वर भी हो सकते हैं हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, हम अपने सारे सुख दुख उनके साथ बांट सकते हैं। और क्योंकि यीशु तो इस दुनिया में जिए हैं, वो इंसान होने का मतलब समझते हैं। ये दुनिया भले ही अच्छी नहीं रही, लेकिन कम से कम हम अपनी जिंदगियां तो अच्छी बना सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं होता, जो कुछ भी वो कहता है पूरा होता है। उसने कहा तो है, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत। यानी जब दुनिया बनी थी तब भी वो था, और जब खत्म होगी तब भी उसका वजूद रहेगा। फिर हमें किस बात की फिक्र है? दुनिया में आने से लेकर यहां से जाने तक के हर पल की जिम्मेदारी तो उसने ले ली है, वही संभालेगा। अंत वही, शुरुआत वही कहलाता। उसका चेहरा है दुनिया की।